एक रो तो आजकल के लड़का सबको दिमाग कम हो गया है, एडजस्ट भी नहीं होता ऐसे जल्दी जल्दी। हाँ नया नया पकड़ो ले सब। कहाँ तक बता दे? ब्रह्मांड केंद्र बनवाली। अच्छा बनवाली सबसे खराब बनवाली यही था, बनवाली बना हुआ था, सड़कें सीधी थी, नालियाँ ढकी थी। बनवाली कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा नालियाँ ठीक थी, घर में क्या पाया गया? शोक का कुणाल कहाँ है? हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा। राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है अभी जो खोजा है वो बनवाली है। कौन है? हालांकि धौलावीरा भारत में है लेकिन वो कुछ हिस्सा उसका कहाँ है? पाकिस्तान में। बनवाली तो टोटल यहाँ कहाँ है? बनवाली कह रहे हैं। राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा कंप्लीट। हम कहाँ तक बता दें? कहाँ तक? बनवाली तक बता दिए। आज आपको आगे बताना है कालीबंगा। ए के थापर और बीबी लाल। बी के थापर, ए के थापर नहीं, बी के थापर। एनी प्रॉब्लम? चलिए तो आगे आज हम लोग समझते हैं सिंधु सभ्यता के सारे स्थलों को खत्म करते हैं। ठीक है, रेडी आप लोग? सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछता है भूले भटके, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, बताइए तो इधर तो सुस्ता केंडोर वगैरह था। हाँ यहाँ पे था पाकिस्तान का मोहन जोदड़ो, चन उदड़ो, यहाँ पर था हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी। चन उदड़ो सिंधु, चन उदड़ो सिंधु नदी के, मोहन जोदड़ो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक सार, चन उदड़ो। क्या सिंधु सभ्यता के सभी स्थल दुर्ग से घिरे थे या नहीं? घिरे हुए थे। कौन सा सार जो नहीं गिरा हुआ? बकल भाई को नहीं रहेगा तो तुम कहते घिर में नहीं गया था। सारे सार किसे गिरे हुए थे? दुर्ग से। जब कहेगा कौन सा नहीं गिरा हुआ था तो चन उदड़ो। कौन सा नहीं गिरा था? चन। सिंधु सभ्यता में कौन सी जगह पर सड़कें और नालियां टेढ़ी मेढ़ी थी? बनवाली में। कहाँ पे? बनवाली। मृतकों का टीला कहाँ मिला? हाथी का खोपड़ी। सबसे बड़ा मकान कौन जो क्या रखने के लिए था? अन्ना का। विशाल स्नान का कहाँ मिला? घर में कुआं, घर में स्वच्छता। बनवाली। हाँ बनवा। पंजाब के रोपड़ में मानव के साथ साथ पशु पालतू जानवर। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। नदी कहाँ पूछ रहे हैं? हम कहता जगह पूछ रहे हैं। पंजाब, पंजाब में बताइए। बनवाली हरियाणा, कुणाल हरियाणा, राखी गढ़ी हरियाणा। समझ गया? ये तो यहाँ हो गया। अब राजस्थान में याद रखें कालीबंगा। कौन सा जगह? कालीबंगा। देखिए कुछ शहर है जिनका अपना मतलब भी है, जैसे मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला, लाशों का ढेर, ये उसका मतलब ही होता है। उसी तरह कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली चूड़ी, काली चूड़ी, चूड़ी काली चूड़ी। तो यहाँ पर से चूड़ी के साक्ष मिले, किसी के साथ चूड़ी मिला हुआ है। जबकि मेकअप कहाँ मिला था? चन होदड़ो। मेकअप चन होदड़ो। और यहाँ क्या मिला है? चूड़ी। क्या मिला है? चूड़ी मिला है। कोई दिक्कत? चूड़ी हवन कुंड मिला है। क्या मिला है? हवन। क्या मिला? हवन कुंड के साक्ष मिले, मतलब हवन कुंड में जहाँ हवन वगैरह जो चीज़ों की जरूरत होती है वो सब कहाँ मिला है? कालीबंगा। यहाँ की जो ईंटें मिली हैं ध्यान से पढ़िएगा, अलंकृत है। अलंकृत ईंट का मतलब ईंटा पे डिजाइन बना, ईंट पे क्या बना हुआ है? डिजाइन। तो अलंकृत ईंट कालीबंगा। चनुद्रो में भी है और यहाँ पे भी है। समझ गए? काली काली मिट्टी, काली चूड़ी, हल और जुटा हुआ खेत, हल और जुटा हुआ खेत, हवन कुंड के साथ। एक बार क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया था, लाइव वाले सब लोग ध्यान से समझिए। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर कर्मकांड के साक्ष मिले? तो कर्मकांड का मतलब होता है कोई मृत्यु हो गया, कोई शुभ काम करने से पहले हवन पूजा पाठ, इसी क्या कहते हैं कर्मकांड। तो कर्मकांड के साक्ष मिले कालीबंगा, कालीबंगा जुटा हुआ खेत, हल, हवन कुंड, चूड़ी, गुड़िया, गुड़िया मन का, मन का अलंकृत ईंट, चनुद्रो कालीबंगा, गुड़िया दुर्ग रहित चन हुदड़ो। तो ये आपको कालीबंगा याद रहेगा। घग्गर नदी के किनारे। किस नदी किनारे? घग्गर। आपके मेटेरियल में सब लिखा होगा घग्गर नदी किनारे या किस नदी किनारे, बताइए। कुणाल कहाँ मिला? कुणाल से क्या मिला है? चांदी। कुणाल से चांदी, तुम बताओ। कपास कहाँ से मिला? कपास मोहन जो, अरे कदो कपास कोई सूती वस्त्र कहते हैं, कपास को अंग्रेजी में कॉटन कहा जाता है। तो पूरे ही पहनते थे तो नहीं बताया आप लोगों को? अरे दादा हो दादा। कपास का साक्ष कपास, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली अलंकृति, कालीबंगा और चनुद्र, चूड़ी, हवन कुंड। कालीबंगा के लोग एक साथ दो फसलों को उगाते थे, वहां पे एक ही खेत में चना और सरसों उगाए जाने का क्या मिला है? साक्ष में दुई फसली खेती कहां देखने को मिली? कालीबंगा। अब जब जुटा हुआ खेत मिला है, हॉल मिला है, तो खेती कहां से मिलेगा? कालीबंगा से मिलेगा। अगला जगह धौलावीरा। कौन जगह है? धौलावीरा। कौन जगह है? धौलावीरा। ये गुजरात और पाकिस्तान तक इसका एरिया जाता था, ये एरिया था धौलावीरा। क्या था? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो धौलावीरा था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। जबकि सबसे बड़ा शहर वर्तमान में जो खोज के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल हरियाणा का राखीगढ़, हरियाणा का राखीगढ़। हालांकि एक लंबे समय तक सबसे बड़ा स्थल किसे माना गया? धौलावीरा। लेकिन रिसेंट रिसर्च के अनुसार सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़। तो कभी कभी क्वेश्चन में राखी गढ़ी नहीं रहता है। जब राखी गढ़ी नहीं रहता है तो क्या मानेंगे? धौलावीरा। और अगर कह दिया ऑप्शन में धौलावीरा है तो समझिएगा रिसेंट रिसर्च के हिसाब से वो पूछ रहा है। तो बताइए वर्तमान खोज के हिसाब से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। कौन सा? राखी गढ़ी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। धौलावीरा कहाँ? गुजरात। धौलावीरा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। जेपी जोशी ने इसकी क्या किया? खुदाई किया था। रविंद्र भट्ट के साथ गुजरात में पाकिस्तान दोनों में है। रविंद्र सिंह, रविंद्र सिंह बिस्ट गुजरात और पाकिस्तान दोनों में फैला। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा। ऑप्शन में दोनों दिया हो तब क्या मारेंगे? आप ही बताओ दोनों दिया तो क्या मारेंगे? हाँ
अंबानी अडानी दोनों में पैसा में ज्यादा दिया ऑप्शन में तो किसको मारेगा? अडानी अडानी आगे पीछे होते रहते हैं। अडानी एलिफेंट हाथी है, वो हाथी समझ आएगा कि नहीं आएगा? चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेंट एंड चीता, हाथी और चीता का कॉम्बिनेशन हमेशा सक्सेस में लगाइएगा। जैसे आपके पास एक इतना बड़ा टारगेट होगा कि आपको एक नौकरी लेना है, एक बड़ा जॉब जिसमें किसी का सपना होगा, अपने स्टेट का पीसीएस, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपका सपना है, वो एक गोल जो है वो एक हाथी है, लेकिन जो आप क्लास कर रहे हैं ये चीता है। आप अपना हाथी वाला लक्ष्य रखे रहिएगा कि आपको करना क्या है, लेकिन जो आज पढ़ रहे हैं उसे चीता की रफ्तार से पढ़िएगा ताकि हाथी की गोल पूरी हो सके। सब चीज ध्यान से रखिएगा। अभी बहुत सारा लड़का नया नया आएगा ना, पटना में सबसे टाइम लगता है लड़का रिजल्ट देने में। अगर डीले शहरों की बात की जाए तो यही है, यहाँ का लड़का चार बार पढ़ने को पढ़ाई समझता है, चार बार बोल देने को पढ़ाई समझता है, कुकर में दाल चढ़ा देगा चार बार बोलेगा सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, उसी को पढ़ाई समझता है। स्टूडेंट लोग आप लोग भी बहुत करते हो, कंसंट्रेशन तो समझ में नहीं किया कि कोई चीज भी है, ये सब चीज़ें कितना दिन चलेगी? हाँ पूरा दाल बनेगा, इधर आपका पढ़ाई चौपट हो जाएगा, दाल गल गया पढ़ाई गल गई, दोनों हो गया काम खत्म। यहाँ सीरियसनेस कभी नहीं समझता। चलिए आगे बढ़े, अब सबसे जरूरी है सुरकोटदा और लोथल। सुरकोटदा पहले समझते हैं, गुजरात में है ये सुरकोटदा, यहाँ पे घोड़े के क्या मिले साथ, हड्डी का हाथी का हड्डी हड़प्पा, हाथी का हड्डी हाथी का हड्डी हड़प्पा, हड़प्पा से मिला है। ये तो हो गया धोलावीरा, ये हो गया सुरकोटदा, बताइए घोड़े का साक्ष, जिंदा घोड़ा तो मिलेगा नहीं, हड्डी मिलेगा, तो बताइए घोड़े का साक्ष सुरकोटदा, घोड़े का साक्ष हाथी का साक्ष, हाथी घोड़ा सुरकोटदा में एक और खासियत है, यहाँ पर युगल समाधान मिला, क्या मिला है? युगल समाधान, युगल समाधान इसमें क्या नहीं, कला समाधान, कला समाधान, युगल समाधान नहीं, युगल समाधान लोथल से मिला, कला समाधान मिला, सब मतलब लास्ट, समाधान मतलब अंतिम संस्कार, तो यहाँ अंतिम संस्कार के समय कलश में लाश को रख के दफना दिया जाता था, बड़ा सा घड़ा लाया जाता था कलश, मरने के बाद लाश उसी में उतार के गलिया में डक्कन लगा के सील करके दफना दिया जाता था। कलश समाधान का मिला सुरकोटदा में, युगल समाधान तो हम देखेंगे लोथल में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? लोथल में, मानव के साथ साथ उसके जानवर भी दफनाए गए, रोपड़, मानव के साथ जानवर रोपड़, मानव के साथ जानवर रोपड़, कहाँ मिला है? रोपड़, समझ में नहीं आया? और मानव के साथ साथ कुत्ता बुर्जोहोम, मानव के साथ कुत्ता बुर्जोहोम, बुर्जोहोम कहाँ पे? बुर्जो, कितने लोग बता सकते हैं? तीन तीन लाश, हाँ दमदमा लाश से याद रहेगा, मानव के साथ कुत्ता बुर्जोहोम, मानव के साथ पालतू जानवर रोपड़, तीन तीन लाश दमदमा, तीन तीन लाश दमदमा, लाशों का टीला पहुंचो कब्रिस्तान हड़प्पा, कहाँ है? हड़प्पा, कब्रिस्तान हड़प्पा, कब्रिस्तान हड़प्पा, रंग बाबू बोलो तुम्हें कह रहे अपनी अपनी मोबाइल तुम्हें रखी पकड़ लिया यार बनती है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मोबाइल लगता है, किसको बोल रहे हैं तुम रखी थी मोबाइल पूरे बीच में, और क्यों इन सब का तेरे दिखता है? अब बकलिया रखी थी पर्पल कलर पहन लो तुम, बकलो लो तो सबको क्या बकलो समझती हो? जितना पढ़ने में बहुत तेज बकलो रही सब चारों से बकलोले मिलेगी। देखिए भगवान किसी को एक एंगल से बकलोल नहीं करता, चार पांच एंगल से बकलोल करेगा, समझा कहीं नहीं बकलोल करेगा, चार पांच एंगल से बकलोल करेगा, उछल करेगा भगवान, कभी किसी को भगवान एक और से बकलोल बनाई भी नहीं करता है, चारों से बकलोल बना देगा, पढ़ने में भी चौबट रहेगा। सिंधु सभ्यता में गिरा उल्कापिंड, उल्कापिंड तो, उल्कापिंड तो जगह में चूट किया गया है नहीं तो कभी आप गौर कीजिएगा, कोई लड़का हो या लड़की एक और से बकलोल नहीं मिलेगा, वो बकलोल मिलेगा ना तो कई एंगल से बकलोल रहेगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत बोलिए, बताइए कला समाधान, कला समाधान सुरकोटदा, कला समाधान घोड़ा की हड्डी सुरकोटदा, छोटा बंदरगाह सुरकोटदा, छोटा बंदरगाह सुरकोटदा, छोटा बंदरगाह यहाँ पे धोलावीरा सुरकोटदा, कौन सा लगा? सुरकोटदा, छोटा बंदरगाह कहेगा तब कौन सा? सुरकोटदा, सुरकोटदा में कैसा बंदरगाह था? छोटा बंदरगाह, उसका ज्यादा यूज नहीं होता था। इसी गुजरात में जगह रंगपुर धान की भूसी मिलेगा, रंगपुर धान की भूसी, रंगपुर धान की भूसी, रंगपुर धान की भूसी, सुरकोटदा बताइए बाबू, कला समाधान धान की भूसी, छोटा बंदरगाह सुरकोट, हाथी की खोपड़ी, घोड़ा की हड्डी, तीन तीन लाश दमदमा, तीन तीन लाश दमदमा, मानव के साथ कुत्ता बुर्जोहोम, मानव के साथ कुत्ता पालतू जानवर, पालतू जानवर रोटो, कला समाधान सुरकोटदा, कला समाधान सुरकोटदा, धान की भूसी, चूड़ी, जुता हुआ हल, जुता हुआ खेत, हल दुई फसल, मेकअप सामग्री, बिल्ली का पीछा चूहा, कुत्ता चूहा नहीं कुत्ता, बिल्ली का पीछा चूहा कहाँ से करेगा, कुत्ता करेगा, समझा क्या? देखो तुम लोग मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, हाँ बिल्ली का पीछा करता कुत्ता, एक नंबर हॉल में क्या दिक्कत है जी? धान की भूसी, रंगपुर, छोटा बंदरगाह, छोटा बंदरगाह सुरकोटदा, छोटा बंदरगाह सुरकोट। अब सिंधु सभ्यता के बड़े स्थल पे आते हैं, नाम है लोथल, भोगवा नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है भाई, विदेश तक में व्यापार होता था लोथल से, व्यापार कहां तक होता था? विदेश, ईरान मिस्र तक व्यापार होता था, कहां से? लोथल से। चलिए लोथल देख लो, ये रहा लोथल, ये बीच में गुजरा, कौन नदी किनारे? भोगवा नदी, लोथल किस नदी किनारे? भोगवा नदी, भी पूछा आपके इसी में एक ही जगह हम दे दिए हैं, कौन स्थल की खुदाई किस साल किसने और किस नदी के किनारे, वहां से क्या मिला, एक ही जगह, समझा गया? आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत तुम्हारा काला सांड, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, बोकी कोई दिक्कत? मोबाइल बोकी कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, तुम चार और से पकड़ लो,
आगे बढ़ जाते हैं, किसी को दिक्कत? सब सिंधु सभ्यता का धौलागिरी के बाद सबसे बड़ा स्थल, नहीं धौलागिरी सबसे, मतलब धौलागिरी से पहले होना चाहिए, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़, राखीगढ़ के बाद धौलागिरी। अब हम आते हैं लोथल में, कहाँ पे? लोथल। यहाँ पे युगल समाधान मिला है, युगल मतलब दू, सौ मतलब लाश, समाधान मतलब अंतिम संस्कार, दो आदमी का लाश एक के साथ दफनाया हुआ मिला, जो कहीं ना कहीं सती प्रथा को दर्शाता है। एक के साथ दो आदमी कैसे मरेगा? ले भाई, इसमें तो सती प्रथा में मार के डाल, जिंदे दफनाता होगा या बीमार के पहले मरता होगा फिर दफनाता होगा, अभी कोई ठीक नहीं मिला। यहाँ पे महिला सबको बड़ी दिक्कत रहा है, बताइए सती प्रथा वहाँ पे कभी महिला लोग में क्या प्रॉब्लम है ना, समझिए। जब महिला जब संघर्ष करती है तो पूरे साथ में रहती है, सारा महिला, जब वो सक्सेस हो जाती है तो महिला का ही साथ छोड़ देती है, नहीं पुरुष में नहीं छोड़ता है, पुरुष में ठीक है, ये सब लड़का तो सीधा होता है, इस अभी बेचारी सब मान लिए, सब इलाका क्या होता है सब चलिए बाबू लाइव वाले लोग जवाब देते रहिए लोग। युगल समाधान लोथल, युगल समाधान ट्रिपल समाधान दमदमा, मानव के साथ जानवर गोपाल, मानव के साथ कुत्ता लाशों का टीला कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कला समाधान सुरकोट, कला समाधान सुरकोट, कला समाधान सुरकोट, लाश से रिलेटेड जितना है सब निकाल देंगे, लाश से रिलेटेड निकाल देना, कर्मकांड काली गंगा, कर्मकांड पुरोहित मोहनजोदड़ो, चौरी सड़क कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, श्रमिक आवास हड़प्पा, पुरोहित आवास स्नानागार, स्वास्तिक चिन्ह दोनों, स्वास्तिक चिन्ह दोनों, अन्नागार दोनों, बड़ा अन्नागार, बड़ा नगर, युगल समाधान लोथल, युगल समाधान लोथल, लोथल बड़ा बंदरगाह लोथल, छोटा बंदरगाह सुरकोट, बड़ा बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले? गुजरात, किस राज्य में? गुजरात, सर्वाधिक स्थल गुजरात। बकलवा घर से निकाल दिया, छोटा था तो तुमने जिम्मेदारी निभाया था, बेटा को क्या संस्कार दिया था क्या नहीं, तो बढ़ोती में आपको रुलाएगा, खराब लगेगा। जिस उम्र में बच्चे को संस्कार डांट बोल के रखना चाहिए, कहाँ बैठे हो कहाँ वहाँ, तो ना हमारा बबुआ या बबुआ, हाँ गलती में जब बबुआ निपटाएंगे तो कहेंगे पता मत मार ली हमारा, लड़की तो बेचारी अपना घर छोड़ के आती है तभी कहती है कि वो छोड़ा देंगे घर, ये हमारा घर छोड़ ले, ये करो घर ना छोड़ा दिए तब हमारा लड़का लोग का गलती रहता है क्या? हाँ बात सही है, लड़का लोग की माँ को छोड़ देता है तो क्या कहेगी, हकीकत है। हाँ लड़का इस समय लड़का का गलती है, एक बात बता, दुनिया में कोई कहेगा कि खान से पढ़ना छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको देखा है कि आदमी कुछ छोड़ देगा पढ़ना नहीं छोड़ेगा, समझ में आएगा कि नहीं? दो टाइम की जगह एक टाइम खा सकते पढ़ना नहीं छोड़ेगा। उसी तरह आप माँ बाप की रिस्पेक्ट करिएगा, बातचीत कीजिएगा, इज्जत दीजिएगा, तो सामने वाला भी देख लेगा कि भाई कुछ छोड़ सकता है, माँ बाप नहीं छोड़ सकता, अपने डर जाएगी, बोले तो हमें हमारे जितने हमारे जान पहचान में है उस सब एक चीज से उन सबको हम समझा दिए, डर गया, जब भी उन सबकी पत्नी खूब बढ़िया से बात करती है तो समझ जाता है अगले एक हफ्ते बाद कोई ना कोई कांड होने वाला है, एकदम साधारण हो जाता है, बल्कि देता है बहुत बढ़िया से बताया कोई बात है ना, अब बात हो जाएगा कोई बोल पाएगा, हम सबको समझा दिए, आप लोग भी इसको सिंधु सभ्यता में ही लिख लीजिए, समझा गया कि नहीं गया, वरना सिंधु सभ्यता की तरह आप भी नाश हो जाएंगे, अगर कोई बढ़िया से बताया अगले एक हफ्ते में कोई ना कोई उल्का पिंड आने वाला है, या तो कोई कांड होगा उसका लीपापोती करने वाला होगा कोई, समझा गया कि नहीं गया, पीरियड दे दे इसका, चलिए कभी तो हम लोग की तारीफ करते हैं, इनका कौन करेगा, नहीं समझे जी, बी अलर्ट, चलिए आगे बढ़े, छोटा बंदरगाह सुरकोट का, बड़ा बंदरगाह कला समाधान सुरकोट का, युगल समाधान लोथल, युगल समाधान लोथल। देखिए लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे, किस नदी का नाम? भोगवा नदी, नदी का नाम भोगवा नदी। यहाँ पर ना आपको क्या मिला? युगल समाधान, युगल समाधान, और क्या मिला? बंदरगाह, बंदरगाह। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा। बंदरगाह कोई कहता है? गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा कहा जाता है, मतलब गोदीवाड़ा का मिला लोथल, जिसे पतन भी कहते हैं, पतन बंदरगाह, पतन यासीपुर का जाता है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज्यादा विदेशी व्यापार होता था, क्या था? विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार। हम कैसे मान लें कि व्यापार विदेशी था? क्योंकि यहाँ विदेशी मोहर मिला है, विदेशी क्या मिला है? मोहर, मोहर मिला है। और ये विदेशी व्यापार सबसे ज्यादा फारस से होता था, किसे होता था? फारस से। यहाँ मौत माप माप तौल के लिए बाट मिला, क्या मिला है? बाट, माप के लिए क्या मिला? बाट। और सबसे छोटा बाट 16 केजी का था, सबसे छोटा बाट 16 केजी का, मतलब सबसे कम अगर सामान चाहिए तो कितना के लिए? 16 केजी, हाँ 16 केजी का, यानी गेहूं कम से कम कितना मिला? 16 केजी, तो सबसे छोटा बाट 16 केजी, सबसे छोटा बाट 16 केजी का मिला। सर्वाधिक व्यापार किस देश से? फारस से। विदेश की मोहर लोथल, विदेश विभिन्न देशों की मोहर किस शहर से? लोथल से। जो यह बात बताता है कि यहाँ से विदेश से व्यापार होता था, विदेश से व्यापार होता था। दकियात यानी गोदीवाड़ा लोथल, दकियात या गोदीवाड़ा लोथल। कौन नदी? भोगवा नदी। कौन नदी? भोगवा। कोई दिक्कत होगा आपको? देखो ये कितना पढ़ने में सिंसियर लड़का, बिना मुंह धो चलाया है, आगे बढ़े जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कल दूर लेना, पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, बस अंगाई नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी अंगाई टूटने से पहले हम पहुँच जाएंगे, गाना ना मेरी अंगाई ना टूटे, थोड़ा जा टूटला से पहले हम टूट देंगे आगे, नहीं समझे? मन करता है पास में अंगाई ले ना, ऐसे मुक्का बना के नहीं सोता इधर, नहीं समझा? क्लास लड़की तो बाल झाड़ना छोड़िए थी सब, नहीं समझा? अब कोई बाल झाड़ती क्लास में, तो अब वार्निंग का जमाना खत्म, बाहर, नहीं समझा? ये तो बड़ा बाल है तब समझ में, नहीं
आगे बढ़े, बताइए व्यापार बंदरगाह कहाँ था, बाकी युगल समाधान कहाँ था, हाँ कला समाधान, फिर से बोल जगन, हाँ सुरकोटदा, कहाँ था सुरकोटदा, फारस की मोहर लोटो, युगल समाधान गोदी वाला बंदरगाह, औद्योगिक शहर लोटल और चंगुदो, औद्योगिक तो चंगुदो, व्यापारी केंद्र लोथल, व्यापारी केंद्र लोथल, अब समझिएगा ध्यान से, लोथल की एक विशेषता, सिंधु सभ्यता के लोग इतने समझदार थे कि जैसे ये सड़क है ना, सड़क के किनारे जब इनका मकान होता था ना, तो मकान के जो दरवाजे होते थे ये इस सड़क पे नहीं खोलते थे ये लोग, बल्कि ये साइड में या पीछे खोलते थे, समझा गया, ताकि एक्सीडेंट वगैरह न हो। तो सिंधु सभ्यता के जितने जगह थे उसके दरवाजे मकान के किधर खुलते थे, पीछे, न कि सड़क पर खुलते थे। लेकिन लोथल चूंकि व्यापारी केंद्र था, यहाँ पर शहरों के हर मकान में कोई ना कोई गोदाम मिला करते थे व्यापार के लिए, तो बैलगाड़ी वगैरह सड़क पर लगेगी, बैलगाड़ी क्या लगेगी सड़क पर, इसलिए यहाँ के जो दरवाजे हैं वो कहाँ खुलते हैं सड़क, बाकी जगहों के दरवाजे मकान के पीछे खुलते हैं, यहाँ के कहाँ खुलते हैं आगे, कहाँ खुलते हैं आगे, और आगे खुलने का कारण बता दिए क्या है, व्यापारी केंद्र था। तो कई देखिए सिंधु सभ्यता में जहाँ सेम चीजें उसको याद रखने की जरूरत, हर जगह की सड़कें सीधी हैं याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन बनवाली की सड़क बनाली दूर चौपट, समझा गया, हर जगह के शहर के बाहर किला है लेकिन चंदूदों के दुर्ग नहीं है, हर जगह की सड़कें मकान के दरवाजे पीछे हैं लेकिन लोथल में आगे, तो जो उठपटांग है ना वही पूछ पे करता है, किस जगह पे दुर्ग नहीं है चंदूदों, किस जगह पे सड़कें नाली ठीक नहीं है बनवाली, किस जगह पर दरवाजा सामने खुल जाता है लोथल, फारस की मोहर लोथल, बंदरगाह लोथल, युगल समाधान लोथल, व्यापारी केंद्र लोथल, किस राज्य में मातौल का सामान लोथल, हाँ मातौल का लोथल, अरे व्यापार को मातौल करेगा, दरवाजे सड़क पे खुलते थे लोथल, कंपास लोथल, दिशा सूचक दिशा दिखाने वाला लोथल, दिशा सूचक लोथल, दिशा सूचक लोथल में दिशा सूचक था, लोथल में क्या था दिशा सूचक, देखिए जब हम हवाई जहाज या पानी वाली जहाज में रहते हैं ना, एकमात्र साधन दिशा बताने वाला होता है कंपास, एकमात्र साधन वही बच जाता है क्योंकि वो कभी फेल नहीं हो सकता, चुंबक पानी में भी रहेगा, पानी वाली जहाज में आपको ना एक समय आने के बाद जब आप बंदरगाह छोड़ दीजिएगा आप कितना दूर देख सकते हैं, 20 किलोमीटर 200 किलोमीटर नहीं देख पाएंगे, मैंने 20 किलोमीटर आप देख सकते हैं, पानी वाली जहाज अंदर चली जाएगी 400 किलोमीटर अंदर, चारों एक दिशा दिखेगा, अब वहाँ पता नहीं चलेगा कि दाहिने कोने बाएं कौन है, आप तमू पश्चिम में पूरा में पता ही नहीं चलेगा, वहाँ काम आएगा कौन कंपास, दिशा सूचक कौन आएगा, दिशा सूचक, हवाई जहाज में भी रहेगा तो कंपास काम आएगा, दिशा सूचक, अभी कोई एक डेढ़ महीना पहले हम फ्लाइट में थे, बगल में बात कर रहे थे लोग कि दिशा सूचक क्या है, तो अमूमन जहाज ना एक ही डायरेक्शन से लैंड करते हैं उतरते हैं, लेकिन हवा अगर इधर से रहेगी तो उल्टा उतारने को कर देता है, उतरने में आसानी हो, हम जो यहाँ से प्रॉपर बार बार आते रहते हैं, हम पढ़िया उतारे किधर से, लेकिन उस दिन मोबाइल में कंपास खोलिए, मोबाइल में भी कंपास रहा, हमको डायरेक्शन उल्टा दिखाने लगा, हम यार ये उल्टा का दिखा रहा है, इस डायरेक्शन से क्यों उतरेगा, जबकि उल्टा डायरेक्शन से उतारता नहीं है, लेकिन उस दिन हवाओं का डायरेक्शन उपटांग था, इसलिए किधर डायरेक्शन से उतर उल्टा, तो उतरने से पहले पता चल गया था कि उतारेगा किधर से उल्टा, क्योंकि जहाज में क्या काम करता है दिशा सूचक कंपास मैग्नेट का होता है, तो उसी तरह से पानी वाली जहाज में भी कौन काम करता है कंपास, कौन सा कंपास, अब जैसे कोई जगह है जो 240 डिग्री पे है तो डिग्री नहीं बदल जाएगी, हम समुद्र में घुस जाएं कंपास को सेट कर देंगे कितना डिग्री पे 240 डिग्री सीधे चले जाएंगे 240 डिग्री पर, और वहाँ कोई लाइट हाउस मिलेगा जो रास्ता दिखा देगा, लाइट हाउस समुद्र के किनारे ऊंचा से टावर टाइप का होता है उसमें से लाइट जलाया जाता है इसे, मतलब ये समुद्र का कोई ना कोई तट है लाइट हाउस की मदद से, सिंधु सभ्यता का सब समझ आ गया, सड़के सीधी या टेढ़ी मेढ़ी, अरे बनवाली गोली मारो ऑप्शन है वो, पूरी सिंधु सभ्यता सड़के सीधी या टेढ़ी मेढ़ी, नालियाँ खुली ढकी हुई चारों ओर दुर्ग था या नहीं था, सड़के दरवाजे मेन सड़क पे या साइड या पीछे, पीछे मेनली किधर खुलते थे पीछे, पीछे कहाँ सड़क सीधे खुल गए, कहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, कहाँ पे दुर्ग नहीं है कहाँ पे, चंदूदरों में कोई दुर्ग नहीं है कोई दिक्कत, युगल समाधान लोथ, कला समाधान सुरकोटदा, तीन समाधान दमदमा, मानव के पास पालतू जानवर रोप कुत्ता लाशों का ढेर कब्रिस्तान हप, करमकान कालीबंगा, करमकान सुई धागा चंदूदरों, बिल्ली के पीछे कुत्ता, बिल्ली के पीछे कुत्ता चंदूदरों, अलंकृत ईंट मनका, मनका चंदूदरों, अलंक मनका पर डिजाइन चंदूदरों, मेकअप सामग्री चूड़ी जगह हो गया कोई दिक्कत नहीं ना, अब इसमें बच गया आपका मिसलेनियस की मतलब कहाँ कहाँ सारा चीज़ की जगह यहाँ पर लिया के बता देना, जैसे समाधान वगैरह ये हो गया व्यापार वगैरह कहते हैं, इन लोग यहाँ एक सिंह वाला भैंस, देखिए शरीर होता था भैंसा का आई पर सिंह होता था, तो एक सिंह वाला जानवर इनके यहाँ बहुत प्रसिद्ध था, इनका प्रसिद्ध गेंडा की शक्ल का गेंडा नहीं होता था, शरीर होता था गाय की तरह लेकिन उसका क्या होता था एक सिंह होता था, ना गेंडा था ना गाय था, पता नहीं कौन जानवर था उसने, कभी कभी हम लोग अपने अपने मन से भी कोई जानवर बना लेते हैं नहीं समझा, जैसे मुंह नचवा, अब हम लोग जो कार्टून देखते हैं सीरियल वगैरह में उसमें एक से एक करेक्टर लाता है, रियल में थोड़ी होता है, एक डोरेमोन का, हाँ अब कार्टून छोटे लड़के देखते हैं सब, तो सिंधु सभ्यता का स्थल याद हो जाएगा, एकदम मुझे जबानी याद रहना चाहिए सिंधु सभ्यता का स्थल, किसी को दिक्कत इसका मोहन जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता देखेंगे, सुमेरियन सभ्यता देखेंगे, स्पार्टा का देखेंगे, ग्रीस देखेंगे, हांगो नदी, इराक, ये सब सभ्यता देखेंगे, उसके बाद सारी सभ्यताओं का एक ही दिन टेस्ट लेंगे, ठीक है, कल सिंधु सभ्यता समाप्त होगा और दो दिन तक अन्य सभ्यताओं की चर्चा होगी, मेसोपोटामिया, पीली नदी की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, समझा गया, उसी में फिरौन वगैरह आएगा, पिरामिड वगैरह आएंगे, उसी में ये सब चीज़ को देख लेंगे तो पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, तो हम लोग तीन चीज़ देख लेंगे, दो हिस्सा खत्म हो जाएगा, एक प्रागैतिहासिक जिसमें पत्थर होता था बगल ईंटा पता चला था, आयत आद इतिहासिक जिसमें सिंधु सभ्यता, ये दोनों पार्ट पढ़ के इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद किधर आएंगे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक तीर्थ करने ना किसी को दिक्कत, तो तीसरा काल का नाम तीन दिन और, एक दिन सिंधु सभ्यता में लगेगा और दो दिन आने लगेगा, किसी को दिक्कत, अभी क्या है ना हिस्ट्री में एक चीज़ याद रखिएगा, अभी स्टार्टिंग में आपको बताते हैं, हिस्ट्री उसी का अच्छा हो सकता है ना, उसी को हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगेगा जिसका बैकग्राउंड पिछला याद है, नहीं तो कभी हिस्ट्री अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ेंगे लेकिन भूल जाएगा, इसलिए डे वन से हम आपको कहते हैं हिस्ट्री पढ़िए कम रिवीजन कीजिए ज्यादा, घर पढ़े मत कीजिए, हम ही बोलते हैं हम आपको खुद पढ़ा देंगे, इतना जिम्मेदारी से हम आपको समझा देंगे पढ़ा देंगे याद करा देंगे, बस एकदम मेहरबानी कीजिए कि 10 मिनट निकाल के एक दूसरे से थोड़ा सा पूछ लीजिए सीरियसली, 10 मिनट आप पूछिए, जब पूछिए ना तो कोशिश करिए केवल ध्यान पूछने पर है, समझ गया, जब सुनाइए तो टोटल ध्यान किस पर है सुनाने, लेकिन बेईमानी करता है पूछने के टाइम अंडरबट पूछो पूछ देगा, अच्छा बताओ तो 16 किलो का कि 22 किलो का, नहीं ज्योग्राफी वगैरह में क्या है वो साइंस की तरह, एक बार ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर कोई नहीं छीन सकता आपसे, और साइंस साइंस तो
बस एक बार कॉन्सेप्ट अच्छा से जाने की देर है, एक बार साइंस समझ में आ गया फिर वो निकलेगा नहीं, लेकिन आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो कोई चीज पढ़े कोई फायदा नहीं होता। देखिए पढ़कर किसी चीज को भूल जाने से बेटर है कि उसे पढ़े ही नहीं। रीजन क्या है, अगर नहीं पढ़े ना दोबारा पढ़ेंगे तो एक जुनून रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें इसे पढ़ना है, और पढ़ के भूल जाएंगे दोबारा पढ़ेंगे तो जुनून भी खत्म, अजीब चीज खत्म, ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। अरे छोड़ो यहाँ पर नहीं समझे, समझिए अगर कोई इंसान पकौड़ी छान दिया और पकौड़िया ठंडा हो गया, अब वो सोचेगा फिर अगर कढ़ाई में डाल के छान के गर्म करे तो सोचेगा गर्म तो हो जाएगा लेकिन स्वाद मर जाएगा, तो बेटर है कि सोचा बेसन आलू छान के छोड़िए दीजिए, भले देर हो जब एग्जाम आएगा तो छान के डाल देंगे। तुम लोग क्या करता है ना फूल छान के रख लिया तो बाद ताट बात रहा है सब भोजन जी हमारे यहाँ नहीं समझे, आगे बढ़े हमको याद ही नहीं होता ऐसा, आप ही नहीं 90% इसमें वैसे ही समझा ना याद नहीं होता, आप समर्पित होइए, चार बार उसको देखिए पांच बार देखिए कैसे याद नहीं होगा, आप अगर पूरा ध्यान ऐसे लो पल ऐसे थोड़ी हो जाएगा, पूरा फाइनली कंसंट्रेट ध्यान कैसे आना चाहिए सिंपल आपको एक बात बताते हैं, आप में से किसी एक को हम यहाँ बुला देते हैं और कहते हैं कि लोथल के बारे में बताओ फिर समझ में आएगा व्हाट इज कंसंट्रेशन, फिर घर कहाँ है गैस भरवाना है कि नहीं भरवाना है रूम लोथल भोगवा नदी के किनारे शुगर समाधान समझा गया कि नहीं, बस वो कंसंट्रेशन एक बार ला दीजिए, एक बार कंसंट्रेशन ला दिया ना फिर काम खत्म आता है, ला सकते हैं वो कंसंट्रेशन। रीजन क्या है, आपके अंदर डर नहीं है, डर इस बात का नहीं है कि गार्जियन को आप मैनिपुलेट कर देंगे, तबियत खराब हो गया था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, वैकेंसी गड़बड़ है, सीट कम था, हमारा तबियत खराब, कोई ना कोई बहाना सुना देगा, आपने डर नहीं है इस बात का ना कि आपका पड़ोसी कहीं आपको आपका रूम आपको पीछे करके चला जाए, सबसे बड़ा मोटिवेशन डर होता है, बंदूक पर अगर कनपट्टी पर बंदूक रख दिया जाए ना जो कभी नहीं दौड़ा वो 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, कथा से कथा लगता एग्जाम का टाइम टेबल निकलने के बाद पढ़ने लगता है, क्या चीज़ है डर है, समझा गया कि नहीं आ गया, डर हम लोग को मजबूरी क्या है, हम लोग में भी एक तरह का डर है, ऑन कैमरा है, पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई चीज दिमाग से स्लिप हुआ तो मजाक उड़ा कर देगा कैंसर बुला लो, समझा गया कि नहीं आ गया, बहुत दिक्कत है बिना मटेरियल पढ़ा, हालांकि हम जब पटना आए थे तो बहुत सारे टीचर लोग इस बात का एतराज था कि मतलब ये आदमी बिना किताब या बिना नोट से पढ़ा देता है कुल सब्जेक्ट तो बाकी लड़का सब बिना, हम लोगों को शुरू में समझाते दूसरे मास्टर को टोक देता था ए महाराज किताब खोल के कुछ, तो मेरी भी मजबूरी है कि हमको क्या करना है कंसंट्रेट होकर पढ़ना, लेकिन आपके अंदर डर नहीं है ये हकीकत है, अगर ये हो जाएगी इस बार नहीं हुआ तो घर वाले वापस कंफर्म बुला लेंगे आप पढ़िएगा, लेकिन आपको पता है कि घर इस बार नहीं हुआ घर वाले को कन्विंस कर लेंगे, जिसको याद हो जाता है वो अपवाद है। हाँ जी चलिए आगे कल समझेंगे।